दैनिक भास्कर और बारह समाचार पर आयकर छापेमारी के विरोध में कानपुर प्रेस क्लब का विरोध प्रदर्शन। दैनिक भास्कर और बारह समाचार पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद कानपुर प्रेस क्लब ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार का साफ संदेश है कि जो भी भाजपा सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसे बक्सेंगे नहीं। ऐसी सोच काफी खतरनाक है, सभी को इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये छापे तुरंत बंद किया जाए और मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। इन सभी मांगों को लेकर कानपुर प्रेस क्लब ने एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सभी पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन ASP को दिया गया। कानपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष और महामंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जबरन दबाव बनाना बेहद गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो चरणबद्ध तरीके से कानपुर प्रेस क्लब द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कोरोना काल में जिस तरीके से भारत समाचार और दैनिक भास्कर समूह ने रिपोर्टिंग की, एक एक सत्यता, एक एक मौत को जो ऑक्सीजन की कमी से हुई थी उसको उजागर किया, ये उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं कि विद्वेषपूर्ण ढंग से केंद्र प्रदेश सरकारों ने आज भारत समाचार और भास्कर समूह पर छापेमारी कराई है, उनके मालिकानों पर छापेमारी कराई, उनके जो संपादक उन पर छापेमारी कराई, घरों पर अभी भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार सुन ले कान खोल कर, मीडिया कर्मी इससे डरने वाला नहीं है, चाहे भारत समाचार की बात करें या भास्कर समूह की या किसी अन्य समाचार पत्र या न्यूज चैनल की, हम लोग इस कार्रवाई का खुलेआम विरोध करते हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक इस तरह की विद्वेषपूर्ण कार्रवाई रोकी नहीं जाती। आज हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया है शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन यही आज लड़ाई आगे भी बढ़ सकती है अगर इन्होंने अपनी विदेशपूर्ण कार्रवाई रोकी नहीं। इस तरह की कार्रवाइयाँ पत्रकारों को परेशान करना, मीडिया हाउस को परेशान करना, अगर इन्होंने बंद नहीं किया तो हम लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन करने के लिए बात दोगे और लड़ाई कानपुर से लेकर लखनऊ से दिल्ली तक लड़ी जाएगी। इसके लिए कानपुर प्रेस क्लब 24 घंटे तैयार है। महामंत्री, जिस तरीके से मीडिया छापेमारी हो रही है, पत्रकार आज आंदोलन, क्या मांग है? पत्रकारों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, निष्पक्ष न्यूज दिखाने का दवा मतलब दिखा रहे हैं तो वो हम लोग को ED या इनकम टैक्स के छापे मार के हमारी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते मतलब, और ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से आज सुबह से IT टीम लगातार दबिशे दे रही है, छापे मार रही है, एक अखबार है दैनिक भास्कर बड़ा नाम है और UP का समाचार भारत समाचार चैनल है, तो इसके लिए हम लोग ने आज आंदोलन किया है और आज प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा है। अगर छापेमारी बंद नहीं हुई तो कल से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा, हम लोग पुतला भूकेंगे, लखनऊ तक हम लोग घेराव भी करेंगे। अक्सर देखा गया कि इस तरीके की जो तानाशाही रवैया अपनाया जाता है, मीडिया पे खासतौर दबाव बनाया जाता है, ये वो सरकार की जो बुराइयां हैं उसको उजागर ना करें। भाई, चैनल और अखबारों का काम ही होता है कि जो भ्रष्टाचार है सच्चाई को दिखाना, दोनों पक्ष को दिखाना, एक पक्ष को ना दिखा के एक पक्ष को दिखाना ये गलत है। तो इस तरह की अगर कार्रवाई दोबारा हुई तो हम लोग कानपुर का पत्रकार सड़कों को घेर लेगा और रोडों को जाम करके सीधे लखनऊ कूच करेगा।